नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे आने पर बच्चे खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में अंबाला के श्री जीआरएसटी स्कूल में 12वीं कक्षाओं के छात्रों को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गयी। 12वीं कक्षा को नॉन मेडिकल विषय में पास करने वाली अंशिका ने बताया कि वो अपने रिजल्ट से खुश हैं। वह इसका श्रेय अपने अध्यापकों को देना चाहती हैं और साथ ही उनका कहना है कि उनके अध्यापकों ने उनकी बहुत मदद की है, उन्हें हर चीज बारीकी से समझाई और पढ़ाई भी है। 12वीं कक्षा को कॉमर्स विषय में पास करने वाली जीआरएसडी स्कूल की छात्रा जानवी ने बताया कि वो अपने रिजल्ट से खुश हैं। उन्होंने इसका श्रेय स्कूल के अध्यापकों और प्रिंसिपल को दिया है। साथ ही कहा है कि उनके अध्यापक उन्हें हर चीज अच्छे से समझाते थे। 12वीं कक्षा को आर्ट्स विषय में पास करने वाले अमनप्रीत ने बताया कि वो भी अपने रिजल्ट से खुश हैं। उनका कहना है कि उनके अध्यापकों ने उन पर पूरी मेहनत की है, जिसका फल देखने को मिल रहा है। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? फोर्थ स्ट्रीम के छात्रों किस प्रकार से चल रहे हैं? मेरा नाम वंशिका है, मैं नॉन मेडिकल की छात्रा हूँ। आपकी बार रिजल्ट आया काफी अच्छा आया है, हम उससे सेटिस्फाई हैं। मैं जीएसडी सीनियर सेकेंडरी से पढ़ी हूँ। यहाँ बहुत अच्छा है, सुख सुविधाएं सारी अच्छी हैं और क्या बोलते हैं, यहाँ के टीचर भी बहुत सपोर्टिव हैं और यहाँ के लैबों में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत कराया जाता है। यहाँ के सारे यहाँ अप्रेटिस भी सारे अच्छे हैं, 83.4% हासिल किए हैं। मेरा नाम जानवी है, मैं श्री जीआरएसटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मैंने अभी अपनी कल प्लस टू कंप्लीट किया कॉमर्स स्ट्रीम से और इसका सारा क्रेडिट स्कूल के टीचर्स को और प्रिंसिपल सर को जाता है। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, इसीलिए हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आया है। क्या नाम है आपका और कौन सी स्ट्रीम से अभी अपना रिजल्ट हासिल किया? मेरा नाम अमनप्रीत है और मैं आर्ट्स का एक बच्चा था जीआरएसटी स्कूल से। तो हमारा आज रिजल्ट आ गया है, तो हम पास आउट हुए हैं और हमारी मेरिट भी आई है 83% से। पिछले टाइम से अब इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि अब की बार जो ऑफलाइन एग्जाम हुए थे उनमें स्ट्रिक्टनेस काफी बढ़ गई थी और सिलेबस भी पूरा आया था, सो इसलिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। आगे अब हम जितने अच्छे हमारे स्कोर आए हैं हमारे टीचर्स और हमारे स्कूल के स्टाफ की वजह से, तो हम आगे हम ग्रेजुएशन। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।